कोई कमेंट्री नहीं करने वाला और आफ्टरनून राइड अभी स्टार्ट हुई है। 3, 2, 1 हियर वी गो। वीआर मॉल वाले सर्कल तक जाते हैं। मॉर्निंग गाइस, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल एंड जय श्री कृष्ण। दिस इज रॉकी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल मोटर रॉकी। आज है 5 दिसंबर और टाइम है 11:03 और हम जा रहे हैं ऑफिस की तरफ, लेकिन ऑफिस पे नहीं और बाद में जाएंगे अपने फ्रेंड के यहाँ। और मॉर्निंग राइड बोल दो, आफ्टरनून राइड बोल दो। हाय हॉर्सी, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग राइड बोल दो, आफ्टरनून राइड बोल दो, सब यही है। आते वक्त हम थोड़ा खींच सकते हैं, फिलहाल के लिए तो बस ट्रैफिक में से ही पास होंगे। और आज के दिन कोई कमेंट्री नहीं करने वाला, कोई पैप टॉक नहीं, कुछ नहीं, तो हम सीधा मिलते हैं आपको भागलपुर। 2 hours later अभी बजे दोपहर के 1:35 और आफ्टरनून राइड अभी स्टार्ट हुई है, तो अभी थोड़ा स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कितना कर पाते हैं। वैसे धूप बिल्कुल भी नहीं है, मौसम काफ़ी अच्छा है। Yes, baby. I think 70 touch हो गए थे। Here we go. Whoa. Hard braking करना पड़ा। Once again. थोड़ा और कहीं पे खींचे क्या? अभी तो स्ट्रेच वाला सब पोर्शन निकल जाएगा, निकल गया एक्चुअली। अभी स्पीडिंग का कोई पोर्शन नहीं है, कोई स्ट्रेच नहीं है, तो कहीं पे चले क्या? जाने को तो जा सकते हैं, पीछे यूनिवर्सिटी रोड पे चले। चलिए तो चलते हैं, यूनिवर्सिटी रोड पे चलते हैं, पीछे थोड़ा घूम के जाएंगे, घूम के आएंगे। एक अच्छा रैपो बन रहा है तो फिर चलते हैं। चलिए यूनिवर्सिटी रोड पे, और ये हम ब्रेड लाइन सर्कल पे आ गए हैं, देख लीजिए। और यहाँ से हम ऑलमोस्ट पहुँच ही गए हैं यूनिवर्सिटी रोड। ये यूनिवर्सिटी रोड ही कहलाता है क्योंकि ये आगे फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर को क्रॉस करते ही यूनिवर्सिटी रोड चालू हो जाता है। और यहाँ पे हम अच्छा खासा स्ट्रेच ले सकते हैं, अच्छा खासा भगा सकते हैं। देखते हैं बाइक की कितनी कैपेसिटी आती है और हमारी कितनी कैपेसिटी आती है।
Now we'll see that. लेकिन हाँ, बेफालतू के बम्पर्स बहुत होते हैं यार, ये बहुत बेकार होता है यार, थोड़ा संभल के चलाना पड़ेगा, देख लेंगे। फिलहाल तो अभी मजा लीजिए आफ्टरनून राइड का। 60 सामने कार है, इसकी वजह से मैं स्पीडोमीटर की तरफ देख नहीं रहा हूँ, क्योंकि क्या भरोसा कब ब्रेक वेक मार ले और हम सीधा नीचे। माइंड में रखो, नेक्स्ट संडे वापस आएंगे, कब कहां पर बम्पर है वो देख लो। पहला बम्प यहीं पर है तो काफ़ी दूर है, तो हम स्ट्रेच कर सकते थे। और एक बम्प, स्लो डाउन, फ्यू, या ओके। सेकंड बम्प इज हियर, इन दोनों के बीच में स्ट्रेच नहीं ले सकते, इतना बम्पर का पता चल जाए यार, यहाँ पर है एक बम्पर। हाँ तो ठीक, इतना हार्ड वर्किंग ट्राई को वी आर मॉल वाले सर्कल तक जाते हैं। बम्पर टू बम्पर चलाना पड़ेगा, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक बोलते हैं ऐसे, बम्पर टू बम्पर स्ट्रेच। या अरे, यहाँ पर अपना नेशनल फ्लैग हुआ करता था, वो आज नहीं है, इट्स ओके। चलिए तो यहाँ से यू टर्न ले लेंगे, ये वी आर मॉल पे आ गए हैं हम, और जिस रास्ते से आए हैं उसी रास्ते से जाएंगे, क्योंकि यहीं पे स्ट्रेच करना काफ़ी अच्छा है। खोदा पहाड़ निकला चूहा। आवाज पे से तो ऐसा लग रहा था यार पीछे से कोई अच्छा बाइक आया, देखता हूँ तो क्या है। साइलेंसर फटा हुआ है। चलिए अपनी फन राइड, संडे फन राइड पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए और उनको ओवरटेक कीजिए। अब तो स्पीडोमीटर काफी अच्छा विजिबल रहेगा, तो अब तो स्पीडोमीटर की तरफ देखना ही नहीं है, वो आप देखोगे, मैं नहीं देखूंगा। क्रॉस रोड है भैया, यहाँ पे इतना तेज नहीं चलाते, और वो क्रॉस रोड पे रोड भी अच्छा नहीं था। बम्पर, गुड। गुड ओवरटेकिंग, अभी मेरे ख्याल से एक भी बम्पर नहीं है, और हम सीधा फ्लाईओवर पे चढ़ेंगे, क्योंकि उस तरफ भी एक भी बम्पर नहीं था।
60 की स्पीड है, मैन दिस इज फन, दिस इज फन, सही है। और हम अपनी फन राइड तकरीबन एंड करने के पॉइंट पे आ ही चुके हैं। टाइम देख लेते हैं, टाइम है 2:01, यानी हमने तकरीबन 25 मिनट्स तक का राइड किया है। दैट्स अ गुड थिंग, दैट वाज क्वाइट फन, आई हैव एंजॉयड इट, और काफ़ी अच्छा लगा। ऐसी राइड फ्यूचर में आती रहेगी मुझे ऐसा लग रहा है। और अभी संडे की छुट्टी भी कैंसल, ये संडे नून राइड पे निकलेंगे, मॉर्निंग राइड पे भी निकल सकते हैं, देखते हैं भैया कैसे क्या मूड बनता है। पर हाँ, दिस वॉज अ राइड ऑफ अ जैम, ये बहुत ही अच्छी राइड थी, एंजॉयड इट थोरली। अगर सब कुछ सही लगा तो लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ले। तो मिलते हैं कल सुबह ठीक 7:30 बजे एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू मोटो फैमिली।